किसी वोटर ने यूपी में सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया। इस पोल में क्या तस्वीर निकलकर सामने आई वो आपको बता देते हैं। तो इस पोल में क्या कह रही है ये देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी गठबंधन के साथ 228 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस यानी कि गठबंधन के साथ 132 से 148 सीटें, बीएसपी 13 से 21 सीटें, तो कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ 4 से 8 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सी वोटर का ये एग्जिट पोल और एग्जिट पोल की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब ये पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या कहता है, तो पत्रकारों का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी प्लस को 217 सीटें जाती हुई दिख रही है, एसपी गठबंधन को 163 सीटें, बीएसपी के खाते में 11 सीटें, तो कांग्रेस को 7 सीटें दिखा रहा है और अदर्स के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। और अब सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे नया ये एग्जिट पोल आप देख पा रहे हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के मुताबिक 55% बीजेपी गठबंधन के साथ वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है, 25% एसपी गठबंधन के साथ वोट शेयर शामिल होता नजर आ रहा है और बीएसपी के खाते में 8% वोट शेयर, कांग्रेस के हिस्से में 5% वोट शेयर, तो अदर्स के पास 7% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के मुताबिक। और ये वोट शेयर सीटों में कैसे कन्वर्ट होता नजर आ रहा है वो भी एक बार देख लीजिए आप। तो बीजेपी गठबंधन के पास 334 सीटें यहां पर जाता हुआ दिखा रहा है ये ग्लोबल स्टडीज का आंकड़ा, एसपी गठबंधन को 53 सीटें मिलती हुई दिख रही है स्टडीज के मुताबिक और बीएसपी के पास 4, कांग्रेस के खाते में 9, अदर्स के हिस्से में 3 सीटें, सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज का आंकड़ा दिखा रहा है। पहले वोट शेयर हमने दिखाया, वोट शेयर सीटों में कैसे कन्वर्ट होता है वो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो ये आंकड़ा है सबसे लेटेस्ट सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज का आंकड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।